एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो आज देश की जो स्थिति हो गई है, भयावह स्थिति हो गई है मॉब लिंचिंग के रूप में। इसके पहले भी सरकार थी बीजेपी की, वाजपेयी जी सर मैं यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कभी मॉब लिंचिंग का शिकायत नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग का नाम देकर पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है, इसके हम लोग भरपूर निंदा करते हैं। और जो लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं उनको ये खामोशी के साथ हम ये उनको बता देना चाहते हैं, हम लोग दरभंगा शहर के लोग, कि देख लीजिए हमारे साथ तिरंगा भी चला है, हम मर जाएंगे लेकिन मिटने हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर आपस में बंटने नहीं देंगे आपस में। ये देख लीजिए तिरंगा जो हम लोग के साथ चला है, इसका निशान है, इसका पहचान है। और उन लोगों को एक बात खास तौर से समझा दी जाती है, जब वो बोलते हैं कि जैसे ही राम का नारा लगाइए तो हमारे राम को भी अफसोस होता होगा, हम लोग भी चाहते हैं कि राम राज आए, ऐसा राम राज नहीं हो जहाँ जबरदस्ती जो है गाय का पेशाब पिलाया जाए, जहाँ जबरदस्ती जय हनुमान लगाया जाए, जहाँ जय श्री राम बुलाया जाए। हम भी चाहते हैं राम राज हो, सब लोग शांति से रहें, हर धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग उसी हनुमान के साथ जो आज से 200 साल पहले होता रहा है सब एकजुट होकर रहे हैं उसी तरह रहें और देश की तरक्की में सब एक दूसरे का साथ दें। सरकार से मांग क्या हो? सर मांग क्या करना है, मांग तो आप लोग के माध्यम से कई बार जा चुका है, बस एक मांग है कि सर मॉब लिंचिंग में जो लोग लिप्त हैं उन पर अविलंब स्पीड ट्रायल चलाया जाए, उनको सराय आम फांसी दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो लोग ऐसा करने की कोशिश करें उनको डर हो और फिर वो कोई काम नहीं करें।